काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष आणि खासदार राहुल गांधी पुन्हा वादाच्या भोवऱ्यात सापडले. अविश्वास प्रस्तावावरील भाषण संपल्यानंतर राहुल गांधींनी लोकसभेतून जाताना महिला खासदाराच्या दिशेनं फ्लाइंग किस दिल्याचा खळबळजनक आरोप केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी केलाय. राहुल गांधी यांचं वागणं आक्षेपार्ह होतं, यातून त्यांच्या कुटुंबियांचे संस्कार दिसल्याची टीकाही करण्यात आली. दरम्यान या प्रकरणी भाजपच्या 22 महिला खासदारांनी लोकसभा सचिवालयाकडे तक्रार दाखल केली आहे. राहुल गांधींवर कारवाईची मागणी करण्यात आली. एक बात पर मैं आपत्ति अभी दर्ज करती हूं अध्यक्ष जी, कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए. इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament. aisi garima vihin aacharan ko is desh ke sadan mein kabhi nahi dekha gaya. ye us khandan ke lakshan hai ya sadan mein desh ko pata chale. जिनके दिल नहीं टूटते हों जब इस तरीके की मणिपुर की महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार पे उनके दिल नहीं पिघलते हों, दिल नहीं दुखी होते हों, तो उनको कोई भी अफेक्शन का जेस्चर पाप ही लगेगा. और वो उन्होंने ना कोई महिला सांसद पे किया और खास करके वो चीखती चिल्लाती मंत्री पे तो बिल्कुल ही नहीं किया. और उन्होंने एक जनरल एक अफेक्शनेट जेस्चर था जो वो कर बाहर निकले हैं, उसको एक मुद्दा बनाना दिखाता है कि ये लोग मणिपुर की चर्चा नहीं करना चाहते हैं. उनके पास राहुल गांधी जी के लिए तीखे सवाल जो उन्होंने पूछे थे उसका जवाब नहीं है. ये वही अहंकार है जिसने लंका ढहाई थी, ये वही अहंकार है जो 2024 में मोदी जी की सरकार को ढहाएगा. लाल मातीतली कुश्ती म्हणजे 24